गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. एंड नाउ एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 9.5 रिगार्डिंग टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन फिनिश्ड. क्लियर. 9.5 में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग है. ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को फिनिश करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी. जैसे कि 9.5 में पेज नंबर 406 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर मैं लेके चल रहा हूँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, 9.5 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू डीएक्स प्लस 2x वाई डी वाई इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है. This is question number 4. So you can observe in this question number 4, rule के according मैं आपको बताया भी था कि जब आपको कोई differential equation दी जाएगी तो सबसे पहले आप वहाँ से dy upon dx की value निकालें. तो हम वही करेंगे. हम फिलहाल इस differential equation से dy upon dx की value को find करेंगे. ठीक है, तो चलिए एक्स 2xy dy इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू dx. आवर मेन एम इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. क्लियर. तो हमारा जो मेन एम है फिलहाल यहाँ पे हमें dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, so dy upon dx is equals to it will be y square minus x square upon 2xy. ठीक है, ऐसे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. तो हमने दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे पहले वैल्यू फाइंड की dy upon dx की. आप भी हमेशा ऐसे करेंगे. आपको जो भी दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से आप सबसे पहले dy upon dx की वैल्यू फाइंड करें. ठीक है, सो dy upon dx हो जाएगा y square minus x square upon 2xy. क्लियर. चलिए dy upon dx की जो वैल्यू आती है वो हमेशा होती है आपका फंक्शन fxy. सो दिस इज अ फंक्शन fxy. It means y square minus x square upon 2xy is the fxy. Now we have to check out that it is homogeneous or not. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन हमें मिला है y square minus x square upon 2xy homogeneous है या फिर नहीं है. So to check out the homogeneous function we have to replace x by lambda x y by lambda y into the given function. तो हमें इस दिए हुए function में replace करना पड़ेगा x को lambda x से y को lambda y से. So we have lambda y power 2 minus lambda x power 2 upon 2 times lambda x lambda y. इसको simplify कीजिए. So we have lambda to the power 2 y square minus lambda square x square upon 2 lambda square xy. यहां से कॉमन लेकर के lambda square कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ y square minus x square upon 2xy. तो आप देख सकते हैं कि आप जो फंक्शन लेके चले थे वही फंक्शन हमें मिल चुका है. और इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा की पावर 0. सो लैम्डा की पावर 0 इनटू एफ एक्स वाई. सो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू
लैम्डा की पावर जीरो एफ एक्स वाई. सो दिस इंप्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज टोटली होमोजीनियस. ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है. प्रोसीजर सिंपल है. सबसे पहले आप दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करें. जैसे ही आप dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू जितनी भी आएगी वो फंक्शन fxy को रिप्रेजेंट करेगी. अब उस फंक्शन fxy में आप x को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा y से. रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आता है लैम्डा दी पावर जीरो ब्रैकेट एफ एक्स वाई. सो इट रिप्रेजेंट दैट फंक्शन इज टोटली होमोजीनियस. ठीक है, इतना कुछ कर लेने के बाद अब सुने ध्यान से. जब फंक्शन हो चुका है होमोजीनियस तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स रखेंगे अपनी इक्वेशन नंबर वन में. इक्वेशन नंबर वन इज दिस. This is equation one. ठीक है, तो equation number one में आप dy upon dx को और y को replace करेंगे. कैसे, equation number में जहाँ जहाँ y देख रहे हैं उसको हम vx रख देंगे और जो dy upon dx देख रहे हैं आप इस dy upon dx को हम रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. ये टर्म्स कहाँ से आई हैं जरा वो बात समझते हैं, मुझे कुछ पार्ट रफ करना पड़ेगा तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे चलते हैं. चलिए तो हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल्स टू vx. हम y को vx से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, जैसे ही हम y को vx से रिप्लेस करेंगे तो जो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में dy upon dx ये नहीं आएगा. ठीक है, ये dy upon dx यहां पे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा जरा सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब आप y को vx से रिप्लेस करेंगे तो dy upon dx वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर, तो फिर dy upon dx की वैल्यू कहां से आएगी, तो उसके लिए एक तरीका है. तरीका क्या है कि y equals to vx को आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड. और जब उसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहां से निकालिए dy upon dx की वैल्यू. जो यहां से dy upon dx की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहां रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट. सो y बनेगा dy upon dx, उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं vx, इस vx को मानिए आप एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. v यहां बनेगा फर्स्ट फंक्शन, x बनेगा सेकंड फंक्शन एंड वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन विल बी अनचेंज, सेकंड विल बी डिफरेंशिएट दैट विल बी 1 प्लस x इनटू फिर सेकंड फंक्शन रहेगा अनचेंज एंड फर्स्ट फंक्शन v विल बी डिफरेंशिएट. तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप दो बातें याद रखें, y equals to vx and dy upon dx will be v plus x into dv upon dx. अब ये दोनों वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन वन में. सो फ्रॉम इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड में रखिए वैल्यू, तो ये बनेगा v plus x into dv upon dx is equals to y square को रखिए vx power 2 minus x square upon 2 times x into y को रखना है vx. तो यहां से x square को बना रहा है from the numerator and denominator. So we have v square minus 1 upon
2v। अब v वेरिएबल कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है, आप देख सकते हैं। तो v को ले जाइए आप एक साइड, एंड v है x dv upon dx equals to v square minus 1 upon 2v minus v। अब आप यहां पे लीजिए LCM, LCM आएगा 2v और मेरे पास बनेगा v square minus 1 minus 2v square। चलिए आगे, x into dv upon dx is equals to v square minus 2v square, यहां से बचेगा minus v square minus 1 upon 2v। अब टाइम आ चुका है वेरिएबल सेपरेबल के लिए। पहले हमने फंक्शन चेक किया कि होमोजीनियस है फिर नहीं है। फंक्शन चेक करने के बाद कि होमोजीनियस है नहीं है, फिर हमने रिप्लेस किया y plus to vx और dy upon dx is equals to v plus x time of dv upon dx। रिप्लेस करने के बाद हम सोल्व करते करते आ गए हैं और अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सो यूज करते हैं वेरिएबल सेपरेबल को। आइए जरा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। हम वेरिएबल सेपरेबल को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे ये रफड़ना पड़ेगा कुछ पार्ट, जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो जब हम यहां पर यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल तो ऐसे बनेगा कि 2v अपॉन माइनस v स्क्वायर माइनस 1 into dv equals to 1 upon x dx। क्योंकि जब आप इस टर्म को लेके जाएंगे राइट से लेफ्ट में और उधर से आएगा x dx इन द राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा। अब दोनों तरफ कर लीजिए आप इंटीग्रेशन, मैं डिनोमिनेटर से माइनस बाहर ले रहा हूं, तो 2v upon v square plus 1 into dv equals to integration 1 upon x dx। और अब कर देंगे हम इसको इंटीग्रेट। कैसे करेंगे इंटीग्रेट जरा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में v square plus 1, इसको आप t मान लीजिए क्योंकि इसका d by dx ऊपर रखा है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2v। तो बेसिकली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो इसको t मान लेना है। इसको t मानने से जब आप करेंगे डिफरेंशिएट तो 2v से 2v कट जाएगा, तो बनेगा 1/t। 1/t किसका होता है, वो log t का होता है। तो मेरे पास आएगा माइनस log modulus v square plus 1 is equals to log x plus c। क्लियर, c क्यों लिया है हमने, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, चलिए माइनस log modulus। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया था हमें एक्स वाई वेरिएबल में, तो आंसर v वेरिएबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे v की वैल्यू y upon x रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा y square upon x square plus 1 equals to log x plus c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि minus log y square plus x square upon x square is equals to log x plus c। So it is our जनरल सॉल्यूशन। तो लिखना पड़ेगा इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन।
क्लियर। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन। जल्दी करें, डिस्कस करना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कि x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx विल बी, इसको हम लेके जाएंगे सेकंड टर्म को लेफ्ट से राइट में, सो वी हैव x प्लस y इनटू dx। अब dx को आप उधर से इधर लाइए, राइट से लेफ्ट में लेके आइए, और x माइनस y को हम उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है फिलहाल वो dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करना है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। सो इट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव मींस dy अपॉन dx एंड व्हिच विल बी अ फंक्शन fxy। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट it is the value of fxy. Clear? It means this implies fxy is equals to x plus y upon x minus y. अब हमें चेक करना है कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने इस फंक्शन fxy में रिप्लेस कर देंगे x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, सो f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल्स टू, रिप्लेस कीजिए x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, लैम्डा x माइनस लैम्डा y। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैम्डा जब हम कॉमन लेंगे फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो कॉमन लेके वो कट जाएगा, एंड वी हैव x प्लस y अपॉन x माइनस y। क्लियर? सो वी कैन राइट इट एज अ f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 fxy। इट मींस द गिवन फंक्शन fxy is totally homogeneous function of degree 0। चलिए अब जब ये फंक्शन हो चुका है homogeneous function, तो हमारा जो प्रोसीजर होगा आगे वो ये होगा कि हम यहाँ पे इसका निकालें सॉल्यूशन। बट कैसे आएगा सॉल्यूशन, whenever we have a homogeneous differential equation then we have to replace y equals to vx and dy upon dx is equals to v plus x into dv upon dx, ठीक है। तो जब कभी आपको मिल जाए differential equation as a homogeneous differential equation तो वहां हमें रिप्लेस करना पड़ेगा y को vx से और dy upon dx को v plus x into dv upon dx से। क्लियर? तो आइए जरा तो लिखना पड़ेगा हमें रिप्लेस y plus to vx एंड dy upon dx is equals to v plus x time of dv upon dx। सो ये दोनों के दोनों हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे इस इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन वन वी है। तो चलिए रखिए वैल्यू, वैल्यू ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स इज वी प्लस एक्स इंटू डीवी अपॉन डीएक्स, रखिए उधर, सो इट विल बी वी प्लस एक्स इंटू डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा एज इट इज, वाई को रख रहे हैं डीएक्स इन डिनोमिनेटर, एक्स एज इट इज वाई को रख रहे हैं डीएक्स, तो यहां से x कॉमन एक कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से कॉमन लेकर के x कैंसिल हो जाएगा एंड v है 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। अब v वेरिएबल हमारे पास राइट साइड में भी है और लेफ्ट में भी है, तो इस v वेरिएबल को आप ट्रांसफर कीजिए लेफ्ट से राइट में एंड v है x dv upon dx is equals to 1 plus v 1 minus v minus v। यहां पे लीजिए आप LCM, LCM will be 1 minus v and v have in the numerator that 1 plus v minus v time of 1 minus v। इसको सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर दिस सिंपलीफिकेशन वी हैव x टाइम ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलेंगे और हम क्वेश्चन को करेंगे फिर वेरिएबल सेपरेबल से। जल्दी करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नाउ वी हैव टू यूज मेथड वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके बाद हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो जो ये टर्म देख रहे हैं आप 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ये ट्रांसफर होगी राइट से लेफ्ट में, और जो उधर टर्म देख रहे हैं आप x और dx वो ट्रांसफर होंगी राइट साइड में। सो वी हैव 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर फॉर्म ऑफ 1 अपॉन t एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t विल बी log t, ठीक है, एंड इन द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t बाय 1 प्लस v स्क्वायर।
क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड इट विल बी अ जनरल सॉल्यूशन। टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वी हैव टू यूज द कंडीशन लाइक x0, y1, x2, y2, इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ से केवल अपना जनरल सॉल्यूशन मिल सकता है, क्लियर। एंड व्हेन एवर यू वांट टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन इन दिस वे देन यू हैव टू यूज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड y इक्वल्स टू vx, क्लियर। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने एक्सरसाइज को पूरा करें और इसमें बस मेरे पास बचा हुआ है एक लास्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक आपका बचता है इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर इन 2D, देन वेक्टर इन 3D एंड देन प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो आज आप बैठ के इसको पूरा करें, कल हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।